नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट न्यूज में। भोपाल नगर निगम में हुए घोटाले की जांच के बीच कमिश्नर छवि भारद्वाज को हटाए जाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ईमानदार अधिकारी को हटाने के आरोप लगाए हैं। वहीं इसी बीच आरटीआई कार्यकर्ता ने घोटाले की जड़ कांग्रेस शासन काल से जुड़े होने का दावा कर विपक्ष के हमले को भोथरा कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय पाटीदार ने भोपाल नगर निगम की परिवहन शाखा में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। अजय पाटीदार के मुताबिक आरटीआई दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि ये बंदरबांट कई सालों से चल रही थी। इस मामले में कांग्रेस शासन काल के महापौर और मौजूदा पार्षद भी शामिल है। नगर निगम भोपाल की परिवहन शाखा में जो करोड़ों का घोटाला सामने आया है, वह मेरी आरटीआई से मिले दस्तावेजों के कारण उस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले की हमने उच्च स्तरीय जांच की मांग करी है। आज नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं और एक ईमानदारी की पाठशाला जैसी बातें कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यह पूरा घोटाला नगर निगम की परिवहन शाखा में तकरीबन 20 वर्षों से चल रहा है और भाजपा के ही महापौर नहीं जबकि कांग्रेस के महापौर तक इस घोटाले में मिले हुए हैं और कांग्रेस के सभी पार्षद इस घोटाले में मिले हुए हैं, क्योंकि मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने विपक्ष का जो रूप उनको निभाना चाहिए था उन्होंने नहीं निभाया और कांग्रेस के एक भी पार्षद ने यह मामला परिषद में तक नहीं उठाया। आज कांग्रेस और भाजपा की राजनीति की बात नहीं है, आज वास्तविकता है और वास्तव में बात करने की जरूरत है तो जनता के पैसों से जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है उसमें उन प्रथम श्रेणी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं रसूखदार नेताओं और कई बड़े राजनेताओं के रिश्तेदार हैं। एमपी सिंह जो अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल हैं, उनका रसूख बहुत है और वे कई नेताओं के रिश्तेदार हैं। इसके कारण उन्होंने छवि भरद्वाज जो कि नगर निगम की कमिश्नर थी उनका तक तबादला करा दिया और पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां और अजय सिंह जी इस मामले को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या बीजेपी सरकार इस पूरे घोटाले की बड़े स्तर पर जांच करवाती है या नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर कई भ्रष्ट कांग्रेसी नेता तो लपेटे में आ जाएंगे लेकिन बीजेपी के भी कई नेता और मौजूदा सरकार के अधिकारियों की भी पोल खुल जाएगी। इस गुणाभाग के बीच फिलहाल बीजेपी को कांग्रेसी आरोपों का सामना तो करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।